नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यून टेक वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको ईमेल ट्रैकर के बारे में। ईमेल ट्रैकर क्या होता है, उसका अंदर क्या क्या फैसिलिटी है वो बताएंगे। उससे पहले, जैसे कि हम एसएमएस भेजते हैं, एसएमएस में आपको रीड रिसिप्ट आ जाता है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम और किसी भी आप सोशल मीडिया में आप मैसेज भेजेंगे तो वो जैसे रीड हो जाएगा, आपको डबल चेक मार्क आ जाता है और रीड का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। लेकिन ईमेल में हम भेजेंगे, कोई आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। कारण क्या है, उसका अंदर कोई ईमेल ट्रैकर नहीं है। तो ईमेल ट्रैकर के लिए हम एक ईमेल ट्रैकर एक्सटेंशन क्रोम का अंदर उसको इंस्टॉल करना पड़ेंगे। वो कैसे, हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने जीमेल खोला। जीमेल में हमने अभी एक मैसेज भेज रहे हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट में हाय और नॉर्मली भेज दिया, लेकिन इसका अंदर कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे। मैसेज सेंड करके आ गया, लेकिन सेंड के अंदर आपको मैसेज सेंड हुआ करके पता चलेगा। लेकिन इसको ट्रैकिंग करने के लिए आपको एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने का पड़ेगा। मोर टूल्स के अंदर आपको एक एक्सटेंशन मिलेंगे। एक्सटेंशन में यहाँ पे देखिएगा, नीचे क्रोम वेब स्टोर है। क्रोम वेब स्टोर के अंदर जाके आपको यहाँ पे टाइप कीजिए ईमेल ट्रैकर। तो ईमेल ट्रैकर को आपको एक्सटेंशन में ऐड करना पड़ेगा, ईमेल ट्रैकर ऐड टू क्रोम। तो ऐड टू क्रोम करते हुए आपको ये एक्सटेंशन ऐड करने के लिए मांगेगा, ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको कनेक्ट विद गूगल के लिए मांगेगा, आप इसको एक्सेस करना पड़ेगा और इसमें साइन इन कर लीजिए आपका अकाउंट चूज करके। और यहाँ पे मेल ट्रैकर वांट टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट हेलो, इसके बाद यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप फ्री वर्जन में आपको लोगो आएगा ईमेल ट्रैकर का। और हमने जीमेल में गया, गो टू जीमेल। तो गो टू जीमेल में अभी फिर दोबारा हम मेल कंपोज कर रहे हैं और यहाँ पे ये लोगो मेल ट्रैक की तरफ से, अगर इस चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं, अगर ट्रैक करना तो इनेबल करना पड़ेगा। नोटिफाई मी अबाउट दिस ईमेल, इसको भी नोटिफिकेशन ऑन कर दिया और सेंड कर दिया। ये नोटिफिकेशन आपके पास आ गया, ईमेल लेस देन ए मिनट आफ्टर इट वाज सेंड। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये जरूरत नहीं है तो आप मई अकाउंट में गया, अकाउंट में जाने के बाद स्क्रॉल करना और सबसे लास्ट में आप इसको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड एंड डिलीट मई अकाउंट। तो इनबॉक्स में गया, इनबॉक्स में रेफरेंस किया, तो रेफरेंस करने के बाद आपका मेल आ गया, मेल ट्रैक अकाउंट डिलीटेड। ठीक है दोस्तों, और एक्सटेंशन का भी आप रिमूव कर सकते हैं। एक्सटेंशन में गया, एक्सटेंशन का भी यहाँ पे रिमूव आप कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन भी रिमूव हो गया। इतना ही दोस्तों आज के वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आपके कोई भी डाउट होंगे आपके हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको जरूर रिप्लाई देंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो आपको पसंद है तो आपके दोस्तों का भाई पास भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।